हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे माता रानी की कृपा से, और मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आइए, अभी आ रही है हमारी क्वार नवरात्रि सन 2024, जिसमें क्या खास बात है, क्या क्या है, कब कब किस किस दिन होने वाला है और क्या क्या सावधानी रखनी है, वो भी कहाँ, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सोशल मीडिया पे हर जगह हमारी कुमारी माता का नाम चल रहा है, हर जगह उनके प्रचार चल रहे हैं। तो उनके मंदिर के बारे में कब कब कलश स्थापना होगी, कब कब हवन होगा, विसर्जन होगा, सारी चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। और इस बार नवरात्रि में कुछ स्पेशल है भाई, बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, जो आपको द्विधा में भी डाल सकता है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको नवरात्रि के बारे में बताने वाली हूँ और पब्लिक को, दर्शनार्थी को क्या क्या नियम लागू करने हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, 3 अक्टूबर सन 2024 से आपका नवरात्रि स्टार्ट होने वाला है। और नवरात्रि होती है 9 दिन की, फिर उसके बाद में आती है विजयादशमी, जिसको दशहरा माना जाता है। तो चलते हैं, सबसे पहले इस बार 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को फर्स्ट हो रहा है नवरात्रि। लेकिन जहाँ पे भोजली बोया जाता है, जवारा बोया जाता है, वहां पे एक दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। तो 2 तारीख को बिही भिगाना होगा, बिही फिजाना। बिही किसको बोलते हैं, जो 5 प्रकार की, 7 प्रकार की, 9 प्रकार की जो बीज होती है, उस बीज को शुद्ध जल में, शीतला माँ के तालाब के जल में भिगाया जाता है, उसको बिही भिगाना कहते हैं। तो वो होगा 2 तारीख को। उसके बाद में 3 अक्टूबर सन 2024 को आपका कलश स्थापना होगा। कलश स्थापना ये होता है ज्योति प्रज्वलित होना। अब मंदिरों में हजारों की संख्या, सैकड़ों की संख्या में ज्योति कलश होती है, तो वो मुहूर्त के हिसाब से नहीं होता। एक जो मेन कलश होता है वो मुहूर्त के हिसाब में होता है। जैसे कि हमारी कुंवारी माता के पास जो गर्भगृह में जलता है, एक जो मेन गर्भगृह में कलश जलता है, वो आपका प्रज्वलित हो जाता है मुहूर्त के हिसाब से। फिर बाकी आपकी तैयारी के हिसाब से होता है, क्योंकि बहुत सारे ज्योति रहते हैं तो उसमें तैयार करने में बड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि देवी माँ का है, कोई भूल चूक ना हो, कई लोग देखने आते हैं, तो उस हिसाब से तैयारी करना पड़ता है। फिर आपके 3 तारीख पहला दिन खत्म हो गया। दूसरा दिन आता है आपका 4 तारीख शुक्रवार को, जो माँ का दूसरा दिन होगा। फिर आपका तीसरा दिन आता है दिन शनिवार 5 अक्टूबर को। फिर चौथा दिन आता है आपका रविवार, जो माँ का चौथा दिन होगा। उसके बाद में आता है सोमवार, सोमवार को हो रही है पंचमी। लेकिन इस बार नवरात्रि में 2 पंचमी हैं। आपका 7 तारीख भी पंचमी दिखा रहा है कैलेंडर के हिसाब से, और 8 तारीख भी पंचमी दिखा रहा है। तो आप कब मानेंगे, कब क्या करेंगे, कात्रों में कब मानेंगे, सारी चीज को मैं आपको बताती हूँ। और इस बार पंचमी बड़े ही स्पेशल है। आपका 7 अक्टूबर सन 2024 को पंचमी है। 7 तारीख पढ़ रहा है, नोटिस कीजिए, 7 तारीख पढ़ रहा है, 7 बहनिया का 7 तारीख हो गया। आपका पंचमी सोमवार को पड़ रहा है, और सोमवार को क्या रहता है, माता जी का वार रहता है। आपको पता ही है माता जी का वार सोमवार गुरुवार। तो इस बार स्थापना गुरुवार को, पंचमी सोमवार को, कितने ही बड़े अच्छे है ना। तो कोई छोटा मत आशीर्वाद लेने के लिए जल्दी जल्दी जाना और माता का दर्शन कर आना। ये हुई 7 तारीख को पंचमी। फिर 8 को भी आपका पंचमी दिखा रहा है, तो आप पंचमी तो मना चुके हैं, हम तो मना चुके हैं। फिर उसके बाद में 9 तारीख को छठ आ रहा है। आपका 9 तारीख बुधवार को छठ है। फिर 10 तारीख को आपका सप्तमी दिखा रहा है कैलेंडर में। लेकिन हमारे कुंवारी माता के मंदिर में 10 तारीख को ही हवन होगा, जो गुरुवार पड़ रही है, और उस दिन कन्या पूजन होगा। उसके बाद में भंडारा प्रसादी भी वितरण होगा। याद रखिए, 3 तारीख को कलश स्थापना,
7 तारीख को पंचमी और 10 तारीख को हवन पूजा, कन्या पूजा और भंडारा वितरण। फिर आपका आया 11 तारीख और कैलेंडर के हिसाब से 11 तारीख को अष्टमी भी दिया हुआ है, नवमी भी दिया हुआ है, मगर हम अष्टमी को कैलेंडर के हिसाब से सप्तमी को कर दिए और अपने गिनती के हिसाब से, माता जी की गिनती के हिसाब से हम हवन को 10 तारीख को कर देंगे। तो 10 तारीख को हो जाएगा आपका हवन, 11 तारीख को होगा झूला और विसर्जन। तो इस तरीके से माता का नवरात्रि का जानकारी है। उसके बाद में आप कहीं से भी बाहर से आते हैं, आप दूर दराज से आए हैं दर्शन करने के लिए, माँ के मंदिर में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ कुछ नियम है जिसको आप निभाना जरूरी है, तभी माँ की आशीर्वाद आपको हमेशा लगे रहेगी। तो चलिए उसको भी बता देती हूँ। सबसे पहली बात, आप अगर मंदिर के जस्ट दरवाजे के पास जाते हैं तो आपको अपने पैरों पे, अपने शरीर पे पानी छिड़कना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हम कई जगह से आए हैं रास्ते से, तो बहुत सारी जो छाया रहती है वो हमारे शरीर पे आ जाती है, निगेटिव, उसको हमें हटाना रहता है, तब जाके हमें माता की आशीर्वाद को लेना रहता है, जिससे माँ क्रोधित नहीं होगी। तो कभी भी कहीं भी किसी भी मंदिर में आप अगर जाते हैं तो आप अपने पैरों पे पानी आचमन कीजिए, छिड़क लीजिए। और उसके बाद में दूसरा है, माता के पास अगर आप जाते हैं लेडीजों के लिए या लड़कियों के लिए, तो सिर को ढक के नहीं जाना है। माताएं बहने अपने आंचल, अपने पल्लों को सिर में लगा लेते हैं या फिर आज की डेट में स्कार्फ को बांधे रहते हैं, तो वो सबको आपको करके नहीं जाना रहता है माता के दर्शन में। ये केवल नवरात्रि के लिए नियम है, आपको सिर को खुला करके ही जाना है। सिर खुला का मतलब ये नहीं है बाल को खुला, आपको सिर में कपड़ा नहीं रख के जाना है, ये तब आपको माता का दर्शन करना है। तीसरी बात है, आपको नवरात्रियों में माता जी की बॉडी को, माता जी को स्पर्श नहीं करना है, आपको दूर से ही प्रणाम करना है। क्यों? माँ जी पूरे साधना में रहती है तो उनको छूना अच्छा नहीं माना जाता, वो गुस्सा हो जाती है, उनके आसपास में जो रहते हैं वो मना करते हैं, तो हम आम पब्लिक हैं, हमको लगता है गुस्सा, लेकिन वो मना किनके लिए करते हैं? माता जी की रक्षा के लिए करते हैं। कहीं अच्छा, और माता जी की रक्षा में हमारी रक्षा रहती है। हम कहीं से जा रहे हैं, माँ को छू दिए, माँ को टच कर दिए, उनको हमारी निगेटिव पॉइंट से गुस्सा आ गया, तो गुस्सा, हमको डर किससे लगेगा? माता से। भड़केगी किनके ऊपर? हमारे ऊपर। तो उसी सबको ख्याल में रखते हुए जो आसपास में रहते हैं, उनके सेवक, उनके लंगूर, उन लोग मना करते हैं कि माँ को अभी छूना मना है, लेकिन हमें जब छूने नहीं मिलता ना, तो हम बुरा मान जाते हैं। तो ये गलत है, बुरा मत मानिए। हमेशा आप माँ के दरबार पे जाते हो तो माँ के चरण को तो छू लेते हो, स्पर्श कर लेते हो, लेकिन जो पर्व रहता है माँ का, उसमें छूना मना रहता है, क्योंकि ये जो पर्व रहता है वो बड़े ही उत्साहित वाला रहता है। चौथी बात ये है, कोई भी दर्शनार्थी हो या फिर कैमरामैन हो, कोई भी हो, अगर आप माता के दरबार पे जा रहे हैं तो केवल मंदिर तक ही सीमित रहिए। आपको घर के ऊपर, घर के अंदर, घर के ऊपर छत वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जानती हूँ माता का दरबार बन चुका है नए रूप में, सबको देखने का मन करता है, लेकिन एक ख्याल कीजिए, मंदिर अलग है, घर अलग है, तो मंदिर को मंदिर जैसा दर्शन कीजिए, ना कि आप माता रानी के घर पे घूमने जा रहे हो, बैठने जा रहे हो, मेहमान जा रहे हो। अगर आप वैसा जा रहे हो तो उम्मीद भी छोड़ दीजिए माता रानी हमें आशीर्वाद देगी करके। अगर आपको माता रानी का आशीर्वाद चाहिए तो मंदिर तक सीमित रहिए, और आपको मेहमान नवाजी करना है, माँ के घर मेहमान बन के जाना है, तो आप घर
घर जाइए, छत जाइए, उनके अंदर पूरा घूम लीजिए, कोई मना नहीं है। तो चौथी बात यही है। और पांचवी बात ये है, अपनी सामानों की अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, ताकि आप ऐसा ना हो कि हम कुंवारी माता के मंदिर पे गए हैं, हमारा ये चीज चोरी हो गया, हमारा ये गुम गया। ये सबको ख्याल में रखते हुए आप आइए और नवरात्रि का आशीर्वाद लीजिए, प्रसाद लीजिए और माँ के दर्शन कीजिए। तो इतना ही जानकारी आज मैं लेके आई हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बता देना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, ताकि लोगों तक ये पहुंचे जानकारी और ज्यादा से ज्यादा माता जी के आशीर्वाद लेते जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप सबको जय माता दी और आप सभी को बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय माता की।